30.2, जैसे कि कराने से पहले है ना, हम क्या करते हैं इसका बेसिक करते हैं, तो बेसिक्स है इसका, अब कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कुछ ज़्यादा ही कर्सिव हो रही है भैया, है ना, बेसिक्स कर लेते हैं, है ना। बेसिक मतलब आधार, है ना, इसका आधार क्या है। मान लो इसमें हम पढ़ेंगे एक सिलेंडर, क्या पढ़ेंगे, सिलेंडर, हिंदी में बेलन, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो सिलेंडर है वो आपका कुछ इस तरह से है, हाँ जी, ठीक। तो बना किससे, अरे गौर करो, रेक्टेंगल से, बस रेक्टेंगल इसमें वर्टिकली है, तो ये क्या बन गए, दो सर्किल, यानी आपके पास एक सर्किल ऊपर आया और एक सर्किल नीचे आया, सर्किल बोले तो, हाँ हाँ, सर्किल माने वृत्त, हिंदी में हो इंग्लिश में, हिंदी वाला, अच्छा एक ही है, कोई बात नहीं, वृत्त और वृत्त, है ना, ये दो ता थे, एक ता है वृत्त में, चलो कोई बात नहीं, क्लियर, ऐसे कुछ है। तो ये सर्किल है, अब वो कह रहा है कि सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर का कब 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 कब, जब हम किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल यानी एरिया की, ये सुनो, हाँ जी हाँ, जब हम क्षेत्रफल या एरिया की बात कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, पाई आर का उसका, चलो ये भी बात क्लियर होती है, हाँ जी। अब बात करते हैं सर्किल का, सिर्फ और सिर्फ हम ये वाला ले नहीं रहे ऊपर का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या है, 2 पाई आर, ये सुनो, यानी कहने का मतलब हमने क्या नहीं लिया, ना तो ऊपर का ना नीचे का, तो इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हिंदी में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कब लगेगा, जो हम क्या नहीं ले रहे, ना तो ऊपर ना तो नीचे, नादर टॉप नॉर बॉटम, अंडरस्टूड, क्लियर। अगला, अब हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ दो सर्किल, है ना, हमने क्या लिए, दो सर्किल में पाई आर प्लस पाई आर। अब बात करते हैं इसमें से हमने क्या लिया, सिर्फ और सिर्फ दो सर्किल में से एक सर्किल, ऊपर का या नीचे में से कोई भी एक ले लो, तो ये वाला हमारा जाता है जी एफ सी, गोल्डन फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर, जी एफ सी, कैसा ना, हाँ जी हाँ जी, याद आई, तो ऐसे हम ये कहेंगे जी एफ सी, गोल्डन फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या लगता है, देखो सर्किल का 2 पाई आर रिश्ता, ठीक है, और हमने क्या ले लिया, सिर्फ ऊपर या नीचे का कोई भी एक, चलो हम इसको नीचे का ले रहे हैं, ऊपर का बंद कर रहे हैं, ऊपर का ले ही नहीं रहे, नीचे का लेते हैं, तो पाई आर का स्क्वायर हुआ ना, तो क्या हुआ, दोनों में कॉमन 2 पाई आर, है ना, तो हमारा कॉमन क्या आना चाहिए इसमें, कॉमन आएगा पाई आर, और क्या बचेगा, 2H प्लस आर, ये आ गया, है ना, 2H प्लस आर, क्योंकि इसका पाई आर ले लिया आपने, ये जब लगेगा, जब आप या तो नीचे से या ऊपर से कोई एक लेते हैं, ठीक है। अगला जो फार्मूला है वो आपका, ना दोनों ही ले रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं, ऊपर का और नीचे का, तो ये हो गया, इसका नाम है टोटल सरफेस एरिया और सिलेंडर, हिंदी में बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र फल, ये सुनो, बेलन का कुल पृष्ठीय, ऐसा लिखा, हाँ, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या सुनो, तो कहने का मतलब, देख बोतल भर लो पानी के दोनों, ठीक है, एक अपने पास रख लेना, है ना, भर लो, हाँ मेरी नहीं, अपनी दोनों भर लो, हाँ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समय आ गया, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या लगेगा आपका, ऊपर का भी ले लिया और नीचे का, तो आपने कर्व भी ले लिया और दो सर्किल ले लिया, तो क्या बना इसमें, अगर बनाता फॉर्मूला तो 2 पाई आर एच प्लस, दो सर्किल हैं, पाई आर का स्क्वायर प्लस पाई आर का
स्क्वायर, ये डेरिवेशन बना रहा हूँ इसकी फॉर्मूले की, तो 2 पाई आर बचा क्या यहाँ पर, एच प्लस आर दिखाई दे रहा है क्योंकि, अच्छा एक और सिंपल कर देता हूँ, प्लस पाई आर कितने हैं, 2 पाई आर का स्क्वायर, मैं आज फिर भूल गया कैमरा लगाना, ठीक है 2 पाई आर का स्क्वायर, ऐसा नो 2 पाई आर और 2 पाई आर कितना हो गया, 2 पाई आर एच क्या होगा बचा, एच प्लस आर, ये है ये टोटल सरफेस है, एन सी आर टी में फार्मूला गिवन है, ठीक है आपको एन सी आर टी में वाला फार्मूला मिल जाएगा, ये वाला और ये वाला मिल जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये कब लगाते हैं ना तो ऊपर ना नीचे का, ये मान लगाते हैं जब जब 2 पाई आर एच जब लगेगा, चलो डिस्कस कर लेते कब लगेगा, तो प्रैक्टिकली समझते हैं है ना, इंडिया में प्रैक्टिकल क्लास नहीं होती, ठीक है हम तुम्हें देंगे, ठीक है प्रैक्टिकल का मतलब यहाँ पर ये है कि ये कब लगेगा फार्मूला, फार्मूला मतलब होता है जब जब नीचे ऊपर की जरूरत ही नहीं है, पर कब जरूरत नहीं है ना, मान लो आप जैसे रोड रोलर है, रोड रोलर सड़क पे जो रोलर नहीं होता है, आप फिर अंदर या तो अंदर बैठो, हाँ जी, या आप इधर बैठो सही से प्रॉपर बैठो है ना, सही से बैठो अंदर प्रॉपरली है, समझे, तो समझ में आ रहा है बेटा, रोलर है रोलर, जब रोलर घूमता है तो कोई देखा रोलर का इस पार्ट का इस्तेमाल होता है नहीं होता है ना, तो इस पार्ट की जरूरत ही नहीं है, यूज़ क्या हुआ उसका, कर्व हुआ ना कर्व, यानी कहने का मतलब अगर आप इसको घुमाते, मान लो रोलर है ये घूम रहा है, तो जो यूज़ हो रहा है क्या हो रहा है इसका, ना तो ये हो रहा है ना ये तो है, तो क्या यूज़ हो रहा है इसका, कर्व हो रहा है, तो कहने का मतलब आप जब ये यूज़ नहीं किया तो कौन सा फॉर्मूला लगा, कर्व सरफेस एरिया, तो यानी क्या लग गया, 2 पाई आर एच, यस और नो, आर रेडियस, पाई पाई और एच एच, यस और नो, एच हाइट है ठीक है, आर रेडियस है एच हाइट है, यस और नो ऊंचाई है, तो ये लगा, अच्छा आप समझ में आ गया, कोई चीज़ घूम रही है या कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही ऊपर नीचे से, तब अच्छा जैसे कोई ढक्कन डिब्बा है सिलेंड्रिकल शेप में है ना, और वो कह रहा है कि ढक्कन ऊपर से खुला हुआ है इसका, तो सिलेंडर का लग गया, कौन सा वाला, जीएफसी है ना, अच्छा जी, अच्छा ये भी हो गया, अब वो कह रहा है कि हमें जो एक ऐसा डिब्बा बनाना है जो ऊपर से भी है बंद है और नीचे, तो क्या लग गया, टी एफ टोटल सरफेस नहीं होता, मैं क्या लिखा, टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल कर्व, मैंने क्या लिखा, टी एस है ना, टोटल कर्व सरफेस, टी सी है ना, टी सी ए लिखो, टी फॉर टोटल, सी फॉर कर्व, एस फॉर एस लिख लेंगे, टी सी ऐसे हो जाएगा ना, शॉर्ट में लिखो टी सी ए, मतलब टोटल कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्शल होता है जो हमारा लेंथ ब्रेथ वाला होता है, अरे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ये तीनों फॉर्मूला डिस्कस कर लिया हमने, कॉस्ट का वही रहेगा, रेट इनटू एरिया, एरिया निकालो और रेट से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट योर कॉस्ट, क्लियर।